हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कोर जावा के टॉपिक्स को कवर कर लिया। जितने हमारे कोर जावा के टॉपिक्स हैं मोस्टली हमारे कवर हो चुके हैं, ओके। और हमने लास्ट वीडियो में डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या और उसकी नीड क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या है, ओके। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। जो हमारी लास्ट क्लास थी उससे हमारी एडवांस जावा की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, ओके। तो अब थोड़ा आप सीरियस हो जाओ और इसको थोड़ा सोचो कि आप कैसे इनको मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे इनको डिजाइन कर सकते हो, कैसे किसी सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, ओके। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि हम कैसे स्विंग का यूज कर सकते हैं, कैसे किसी कैलकुलेटर, कैसे किसी एप्लीकेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो ये सब हम आगे हमारी वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क है क्या, कलेक्शन फ्रेमवर्क की नीड क्या है और कलेक्शन फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन क्या है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ओके। और अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ओके। और वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो एक प्यारा सा, और उन कमेंट्स में से ही मैं एक रैंडम कमेंट यहाँ से पिक करूँगा और उस कमेंट को, उस व्यूअर को हमारी तरफ से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एनी कोर्स। वो कोई भी कोर्स कर सकता है, ओके, वो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करो कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट आगे लेके आ सकूँ, ओके। सो प्लीज गाइस सपोर्ट मी और मेरी वीडियोस को ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क है क्या और हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्या इसकी नीड है। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक एपीआई है, ओके। ये प्री डिफाइंड एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या था, पहले मैं आपको कलेक्शन का मतलब बताता हूँ, देन आपको फ्रेमवर्क का बताऊंगा, एंड देन आपको मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क का बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। कलेक्शन का मतलब क्या है, कलेक्शन का मतलब है एक कलेक्शन इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन का मतलब क्या है, अगर हम रियल लाइफ से भी हम किसी एग्जाम्पल को ले तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप कुछ भी मान लो, आप फोन मान लो, मेरे पास 10 फोन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास एक कलेक्शन है फोन्स का, ओके। सो वो क्या है, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक ग्रुप है, ओके। तो उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। वैसे ही हमारे जावा के अंदर है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो अगर हमारे पास है, वो ग्रुप है हमारे पास, तो उसको हम कलेक्शन बोल सकते हैं। इट इज अ सिंगल यूनिट। और ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। दे आर यूज टू स्टैंडर्डाइज द वे इन विच ऑब्जेक्ट्स आर हैंडल इन द क्लास। इसका मतलब क्या है, ये हम क्यों यूज करते हैं, किसी हमारी क्लास है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हम उसको कलेक्शन के अंदर डाल देते हैं। और कलेक्शन हमने लास्ट जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे थे तो हमने वहां भी एक ग्रुप का यूज किया था कि हम मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ग्रुप को कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ओके। सो वैसे उसी ग्रुप को हम यहाँ पे कलेक्शन भी बोल सकते हैं, ओके। ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। और फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या है, इसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस है, प्री डिफाइंड यहाँ पे इंटरफेसेस है, जो कि हमारे पास एक तरह से रेडीमेड आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम उनका यूज करके हमारे जो कोड है उसको एफिशिएंट तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है तो हम उसको यूज करके, हम जो थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड लिख रहे हैं उसके जगह पर हम यहाँ पे 200-100 लाइंस का कोड यूज कर सकते हैं, ओके। उन एपीआईज को, उन क्लासेस इंटरफेसेस को यूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उन्हीं जो हमारी क्लासेस और इंटरफेसेस है उनका एक कलेक्शन, उनको एक लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन कर रखा है, वो क्या हमारे पास, वो है फ्रेमवर्क, ओके। अब मैंने आपको कलेक्शन बता दिया, फ्रेमवर्क बता दिया, अब मैं आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क बताता हूँ कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है और इसको कब डिफाइन किया गया था। इट डिफाइन सम इंटरफेसेस विच प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर सॉर्टिंग डाटा इनटू डायनेमिक एरे। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स मेनी इंटरफेसेस, सेट, लिस्ट, क्यू, डीक्यू एंड क्लासेस, एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक्ड लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास, कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, हमारे जो एरे है, हमारा जो डाटा है, जो हम डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कल की वीडियो में, वो जो हमारे पास डाटा है उसको हम मैनिपुलेट करने के लिए उनके ऊपर हम फंक्शनलिटी का यूज करेंगे, तो किसके हेल्प से करेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से, ओके। ये हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क है। तो मैं आपको अच्छे से और डिफाइन कर देता हूँ कि कलेक्शन फ्रेमवर्क है क्या। The Java Collection Framework provides a set of interfaces and classes to implement various data structure and algorithm. Collection Framework के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे काफी टाइप के इंटरफेसिस हैं और क्लासेस हैं, ओके। इसके अंदर हमारी काफी क्लासेस और इंटरफेसिस हैं जिनके हेल्प से हम क्या करेंगे,
हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर है, जो हमारे एल्गोरिथम है, उनको हम थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके साथ हम थोड़ा खेल सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपका एग्जांपल दूंगा कि अगर हम एरे को या फिर स्टूडेंट डाटा कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं उसका एग्जांपल देके आपको बताऊंगा आगे। पहले मैं आपको डेफिनेशन अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ कि डेफिनेशन हमारे पास क्या क्या है। द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इज डिफाइंड एज ए यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड मैनिपुलेटिंग कलेक्शंस। ये क्या है, कलेक्शंस के साथ खेलने के लिए हमारे पास एक क्या है, एक वे है, एक फ्रेमवर्क है। और के आर्किटेक्चर है मैनिपुलेट करने के लिए किसके साथ, कलेक्शन। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारा डाटा है वो है। ओके, तो उनके साथ खेलने के लिए हमारे पास क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है। इन जावा द कलेक्शन फ्रेमवर्क इज ए हायरार्की एंड इंटरफेसेस ऑफ क्लासेस दैट प्रोवाइड्स इजी मैनेजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो हमारे क्या प्रोवाइड करता है, वो हायरार्की प्रोवाइड करता है किसकी, इंटरफेसेस और क्लासेस की। ओके, जो हमारे क्या हेल्प करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा मैनेज करने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। ओके, जो हमारे पास डाटा है उसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ क्लासेस और कुछ इंटरफेसेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओके, और जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो किसके अंदर है, वो हमारा जावा यूटिल पैकेज के अंदर। ओके, यूटिल पैकेज के अंदर हमारे सारे टूल्स हैं जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, वो सभी टूल्स किसके अंदर है, जावा यूटिल पैकेज के अंदर। तो हम जब कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करेंगे तो हमें जावा यूटिल पैकेज की हेल्प से कलेक्शन फ्रेमवर्क को वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा यूटिल कलेक्शन और जावा यूटिल मैप उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम वो भी आगे देखेंगे कि हम कैसे इनको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इनका यूज कर सकते हैं। और जो हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो जावा के अंदर कब इंक्लूड हुआ है, वो हुआ है JDK 1.2 वर्जन के बाद। ओके, JDK 1.2 वर्जन जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे हमारे जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। ओके, इट प्रोवाइड्स अ रेडीमेड आर्किटेक्चर फॉर इंटरफेसेस एंड क्लासेस एंड इज यूज फॉर सॉर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑल कलेक्शन फ्रेमवर्क कंटेन्स इंटरफेसेस क्लासेस एंड एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक शॉर्ट समरी बताता हूँ। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, कलेक्शन का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क हमारे पास लाइब्रेरी है। ओके, जिसके अंदर सभी जो प्रीडिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस है वो उसके अंदर है। ओके, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में हमें डिफाइन करना, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ खेलने के लिए या फिर उनके साथ हमें एक तरह से हम बोल दें कि मैनिपुलेट या मैनेजमेंट के लिए हमें क्लासेस और इंटरफेसेस कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, कलेक्शन ऑब्जेक्ट और फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, इनका आप ध्यान रखना कि आपको याद रहे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क है क्या। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको बता दिया, और कलेक्शन फ्रेमवर्क आया कब है, वो JDK 1.2 में आया है। ओके, और जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसके अंदर मेन पार्ट क्या क्या है, मेन पार्ट उसके दो हैं, जावा यूटिल कलेक्शन और जावा यूटिल मैप, ये दो मेन पार्ट है कलेक्शन फ्रेमवर्क के। ओके, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि है क्या, इनका यूज क्यों होता है, हमारे पास सेट क्या है, लिस्ट क्या है, क्यू क्या है, डी क्यू क्या है, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं। ओके, और जो जावा यूटिल कलेक्शन है उसकी हमारे पास ये हायरार्की है, हायरार्की और डायग्राम जो आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। हायरार्की का मतलब क्या है, इसमें कलेक्शन कब लॉन्च हुआ है, 1.2 वर्जन, इसमें मैंने वर्जन भी सभी बता रखे, और कलर जो है वो रेड कलर किसको डिफाइन कर रहा है, वो कर रहा है जो इंटरफेसेस है उनको, जो ग्रीन कलर है वो कर रहा है क्लासेस को, और जो लेगेसी है, लेगेसी क्लासेस जो ब्लू कलर है वो लेगेसी क्लासेस को डिफाइन कर रही है। मैं आपको बताऊंगा कि लेगेसी क्लासेस क्या होती है। कलेक्शन के अंदर हमारे पास लिस्ट, सेट एंड क्यू, इनके आगे भी हमारे पास ये पार्ट्स हैं, इनको सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सभी पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, सो अब मैं आपको लेगेसी क्लासेस बताता हूँ। लेगेसी क्लासेस का मतलब क्या है, देखो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो कब लॉन्च हुआ है, JDK 1.2 के बाद, लेकिन पहले से यहाँ पर वेक्टर और स्टैक ये दोनों क्लासेस पहले से थी, जो JDK 1.0 था उसी वर्जन के बाद, उसी वर्जन से हमारे पास जो वेक्टर और स्टैक था तब से है। लेकिन जब JDK 1.2 लॉन्च हुआ, जब कलेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पे लॉन्च हुआ, उस टाइम पे इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। ओके, इनको मॉडिफाई करके और उस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इनको इंक्लूड कर दिया गया, तो जो भी हमारी ओल्ड क्लासेस थी उनको हम लेगेसी क्लासेस बोलते हैं, जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड की गई है, उनको मॉडिफाई करके या रीडिजाइन करके। ओके, ये हमारे पास है लेगेसी क्लासेस। और हमारे पास सेकंड जो पार्ट है जावा यूटिल मैप, अगर इनको हम डिस्कस करें, इनका अगर हायरार्की की बात करें, इसकी हायरार्की क्या है हमारे पास,
इसके हमारे पास देखो हमारे पास मैप है, मैप के अंदर हमारे पास है डिक्शनरी, एब्स्ट्रैक्ट मैप, सॉर्टेड मैप, इनके अंदर हमारे पास ये पार्ट्स हैं, ओके। और जो ब्लू कलर है वो इंटरफेसेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, और ये हमारे पास क्लासेस है, ओके। सो ये हमारे पास मैप की हायरार्की है, ओके। इनके मेथड्स हैं, इनके पार्ट्स हैं, इनके टाइप्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके पार्ट्स क्या क्या है, इनके मेथड्स कौन कौन से हैं, ओके। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि हमें इसकी नीड क्यों है, ओके। अगर आपने सी लैंग्वेज की है तो वहां पे पढ़ा होगा लिफो, फीफो, इनके बारे में पढ़ा होगा, एल आई एफ ओ, एल एफ आई एफ ओ, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या है, ओके। ये एक तरह से हमें क्या है, देखो अगर आप सी लैंग्वेज कर रहे हो तो वहां पे आपको पूरा का पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ता था, ओके। अगर आपको ये प्रोसेसर इनको यूज करना है, लिफो या फिफो को यूज करना है, तो आपको पूरा का पूरा कोड दोबारा करना पड़ता है। लेकिन जावा ने हमें ये प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो हम इनको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमें जो कोड है उसको दोबारा लिखने की नीड नहीं है। अगर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं आपको इक्लिप्स ओपन करता हूँ, यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, देखो, और मैं यहाँ पे न्यू क्लास ले लेता हूँ कलेक्शन डेमो के नाम से, कलेक्शन डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली, ओके, सिलेक्ट एंड फिनिश, ये मेरे पास क्लास आ गई है। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई एरे क्रिएट करना हो, एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं, एरे क्रिएट करने के लिए फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे डेटा टाइप, देन मैं लूंगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, और देन मैं एरे का नाम लूंगा ए आर वाई के नाम से, मैंने एरे का नाम ले लिया, और मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे मल्टीपल वैल्यूज देनी थी तब मैंने यहाँ पे एरे लिया, नहीं तो मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज मल्टीपल ले सकता था, जैसे ए में कोई वैल्यू स्टोर करा दी, बी में कोई वैल्यू स्टोर करा दी, लेकिन मुझे ए की जगह पे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज लेनी थी, इसलिए मैंने एरे लिया यहाँ पर, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ से 6 रिमूव करना है, या फिर मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, इसमें एक वैल्यू ऐड करनी है, तो आप कैसे करोगे, या तो इस लाइन को कॉपी करोगे, इसको आगे यूज करोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं कि डायरेक्ट मैं इसमें कोई वैल्यू स्टोर ऐड कर दूं, किसी भी इंडेक्स पर, मैं पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई वैल्यू ऐड कर दूं, और मुझे कोड लिखने की नीड ना हो। जब हम एरे कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि देखो स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, कोई भी वैल्यू ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड्स थे, उनका यूज करते थे, और उनके बीच में हम क्या करते थे, इन सभी वैल्यू, अगर मुझे जो फर्स्ट इंडेक्स है इस पर वैल्यू स्टोर करनी है, तो फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू तो स्टोर कर दूंगा, लेकिन जितनी भी मेरी ये वैल्यूज है इनको मुझे एक एक आगे लेके जाना पड़ेगा, ओके। इसकी इंडेक्स वैल्यू एक एक आगे लेके जानी पड़ेगी, तब हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे स्टोर हो पाएगी। लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर मुझे ऐसा कुछ भी करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकता हूँ, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूं। जैसे मुझे यहाँ पर एरे का यूज करना, ओके, तो एरे का यूज करने के लिए मैं एरे लिस्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर एरे लिस्ट ले लिया मैंने, ओके। एरे लिस्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ओके। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की जो मुझे वैल्यूज लेनी है वो भी मैं दे देता हूँ, ओके। मैं मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज लेनी है तो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दिया, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नेम नाम से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने न्यू, एंड देन मैं इसको यहाँ से एरे लिस्ट ले लेता हूँ, स्ट्रिंग यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और लास्ट में पैरेंथेसिस ले लिए मैंने, ओके। जो ऑब्जेक्ट था वो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे एरर क्यों सो हो रहा है, एरर इसलिए सो हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा कलेक्शन फ्रेमवर्क को, जो हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो क्लासेस है उनको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एरे लिस्ट को, ओके। एरे लिस्ट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जो एरर था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। वैल्यूज ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड है। मेथड क्या है मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, नेम लेते ही मेरे पास ऐड नाम से यहाँ पे मेथड है, ओके। ऐड नाम से मेथड है, उसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं दे देता हूँ गौरव, ओके। गौरव मैंने पहले फर्स्ट वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे, और मैं दे देता हूँ यहाँ पर नेम डॉट, मैं यूज कर लेता हूँ नेम डॉट ऐड का अगेन मैं यूज करता हूँ, ओके। और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दी रवि, रवि मैंने दे दी यहाँ पे वैल्यू, ओके। ये दो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ एक और वैल्यू, अगर मैं एरे के अंदर ऐड करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सारा का सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए क्या है, एक एफिशिएंट वे नहीं है, ओके। एफिशिएंट वे क्या है कि मैं इस कोड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके दूँ क्लाइंट को, ओके। तो क्लाइंट को जल्दी से जल्दी देना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, मनदीप ले लेता हूँ, नेम ले लिया मैंने। इन तीनों को अगर मैं प्रिंट करके देखना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम को प्रिंट कर देता हूँ।
नेम को प्रिंट करके देखता हूँ, सेव किया एंड रन। तब चेक करो इसने क्या किया है, एक एरे के अंदर ये सभी वैल्यूज मेरी इसने स्टोर करके दे दिया। स्टोर कैसे किया, इसने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसने इन सभी वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कराया। जो नेम नाम का मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद इसने क्या किया, अपने अंदर इन तीनों नाम को स्टोर कराया। और अपने अंदर तीनों नाम को स्टोर कराने के बाद ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट थे और ये इसने अंदर स्टोर करा लिया, तो क्या बन गया, कलेक्शन बन गया। ओके, वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट है हमारा। और उसको हैंडल कौन कर रहा है, अब उसको हैंडल कर रहा है कलेक्शन फ्रेमवर्क। उसको एड, ये एड हमने मेथड यूज कर रखा है, ये एरे लिस्ट हमने यूज कर रखा है, ये क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और एरे लेता हूं, देखो मैं आपको बताता हूँ एरे लिस्ट। ओके, आपको स्ट्रिंग यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे लिस्ट ले लिया। और एरे लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ, जैसे ए आर वाई के नाम से ले लेता हूँ। ओके, ए आर वाई के नाम से मैंने नाम ले लिया। और मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा, एरे लिस्ट ले लिया और एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, जो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिएट हो गया अगेन। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे ए आर वाई की हेल्प से एड मेथड को यूज करूंगा। एड मेथड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे टू भी पास कर सकता हूँ। अब मैं इंटीजर वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके, और अब मैं ले लेता हूँ ए आर वाई की हेल्प से एड को यूज करता हूँ। और मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने जैसे डी दे दिया, ओके डी एक कैरेक्टर दे दिया मैंने अब की बार। और ए आर वाई की, ए आर वाई डॉट एड की हेल्प से मैं यहाँ पे कोई नेम देता हूँ। नेम की जगह पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई हेलो दे देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ एक रैंडम ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। तो मैंने क्या किया है, इंटीजर का भी यूज किया, कैर वैल्यू का भी यूज किया, स्ट्रिंग वैल्यू का भी। और अब इनको मैं यूज करूं, अब इनको प्रिंट करके देखना चाहूं तो कर सकता हूं इजिली। ए आर वाई को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सेव करके अब रन करूंगा। सो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो चुका है। तो इसने क्या किया है, एक कंटेनर क्रिएट किया, जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इसने इन तीनों वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कराया। अपने अंदर स्टोर कराने के बाद इसने उसको एक कलेक्शन के तौर पर अपने अंदर स्टोर कराया। कलेक्शन के अंदर स्टोर कराया है, तो उनके साथ मैनिपुलेट कौन कर रहा है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। यही हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क है, जो ये मेथड्स हैं, जो हमारे पास एरे लिस्ट है, क्यू लिस्ट है, ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उनमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे इनका हम यूज करेंगे। ओके, और इनकी हमें नीड क्यों है, ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कलेक्शन फ्रेमवर्क है क्या और इसकी हमें नीड क्यों है। तो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।